हेलो गाइस, मैं हूँ रहमत और आपका वेलकम है एक बार फिर से रिव्यू चैनल पर। और आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो टोटली डेडिकेटेड है उन मॉमीज़ और डैडीज़ के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा अपने बच्चे के हेल्थ को लेकर कंसर्न होते हैं, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर कंसर्न होते हैं, उनकी इम्यूनिटी को लेकर कंसर्न होते हैं। तो ये वीडियो उन मॉमीज़ और डैडीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखें, पसंद आए लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो उसी के साथ मैं वीडियो आगे बढ़ाती हूँ और आपको बताती हूँ उस टॉनिक, उस हेल्थ सप्लीमेंट का नाम जो कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करती है, साथ ही साथ उसके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करती है, उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाकर बच्चे के हेल्थ को अच्छा रखती है। तो उसका नाम है PHOS। PHOS एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि एज अ टॉनिक या एज अ हेल्थ सप्लीमेंट वर्क करती है। बच्चे अक्सर बैलेंस डाइट नहीं ले पाते हैं, बहुत सारी कमियां होती हैं उनके खाने में जो कि हर एक चीज़ को पूरा नहीं कर पाती है। तो बच्चे को टॉनिक देना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि उसकी सारी डिफिशेंसीज दूर हो जाए। तो उसके लिए मैं देती हूँ ये होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है PHOS। होम्योपैथिक सुनकर घबराइए नहीं, होम्योपैथिक मेडिसिन थोड़ा धीरे इफेक्ट करती है लेकिन काफ़ी अच्छा इफेक्ट करती है, जो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करके उसके स्ट्रॉन्ग करती है, तभी जाकर किसी भी बीमारी को वो ठीक करती है। एलोपैथिक मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करती है लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये है कि वो इम्यून सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा वीक बना देती है। तो मैं प्रेफर करती हूँ अपने बच्चे को देना होम्योपैथिक मेडिसिन। मैं हर एक मेडिसिन जो उसे देती हूँ वो होम्योपैथिक मेडिसिन ही है। मैंने काफ़ी अलग अलग तरह के वीडियोज़ बनाए हैं होम्योपैथिक मेडिसिन बच्चे को लेकर, आप मेरे वीडियो लिस्ट में चेक कर सकते हैं। कोल्ड एंड कफ फीवर के लिए कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए उस पर भी मैंने वीडियो बनाया। तो अब मैं आपको बता दूं, ये जो PHOS है ये 5 कंपोनेंट को मिलाकर बनाई गई है जिसका नाम है कैल्केरिया फॉस्फेरिका, फेरम फॉस्फेरिकम, काली फॉस्फेरिकम, मैग्नीशियम फॉस्फेरिकम, नेट्रम फॉस्फेरिकम। और ये जो 5 कंपोनेंट हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक डिफिशियंसीज़ को दूर करने के लिए। और ये मेडिसिन में ये 5 कंपोनेंट हैं जो कि बच्चे के हर एक डिफिशियंसीज़ को दूर कर सके। बच्चे के बोन ग्रोथ के लिए हमें उसे कुछ सप्लीमेंट देना चाहिए, उनके ब्लड, उनको एनीमिया ना हो उसके लिए कुछ सप्लीमेंट देना चाहिए, वो थके नहीं, एक्टिव रहें, उनका मेंटल तथा फिज़िकल उनका दोनों मतलब कि एक्टिव रहे, तो वो सब चीज़ को ये मेडिसिन ठीक करती है, ये टॉनिक सब चीज़ को ठीक करता है। काली फॉस है इसमें जो कि एज ए ब्रेन टॉनिक है जो मेंटली और फिज़िकली बच्चे को एक्टिव रखता है, साथ साथ उनके डलनेस को दूर करता है, भूख लगती है बच्चे को जल्दी, और हर एक तरह के न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज़ को यह मेडिसिन दूर करती है। इसमें फेरम फॉस्फेरिकम है जो एनीमिया को दूर करता है, साथ साथ हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और उनके टायर्डनेस को दूर करता है। कैल्केरिया फॉस्फेरिकम है जो कि उनके बोन हेल्थ को अच्छा बनाता है, बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करता है, हड्डी के दर्द को दूर करता है जो कि ग्रोइंग एज बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैग्नीशियम फॉस है जो बॉडी के पेन को, एक को, डलनेस को, टायर्डनेस को दूर करता है और एक्टिव बनाता है। तो उसमें हर एक कंपोनेंट है जो कि बच्चे के जो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होना चाहिए वो है इस मेडिसिन में, और बच्चा इससे काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है और हर एक डिफिशियंसीज को ये मेडिसिन दूर करता है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था यूट्यूब पर, मॉमकॉम इंडिया के द्वारा उसे पब्लिश किया गया था, जिसमें वो हेल्थ ड्रिंक के बारे में बता रही थी कि बच्चे को कौन सा हेल्थ ड्रिंक दें आफ्टर 2 ईयर्स। तो उन्होंने ये सब बताया था, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान। तो उसमें बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा कमेंट था कि कुछ ऐसा टॉनिक या हेल्थ सप्लीमेंट का नाम बताइए जो कि बच्चे को दें और हर एक डिफिशियंसीज दूर हो जाए। मैंने उनके सारे कमेंट पढ़े थे और मुझे ऐसा लगा कि मुझे उन्हें बताना चाहिए, तो मैं ये वीडियो बनाकर उन्हीं पेरेंट्स को ये वीडियो बनाकर बता रही हूँ कि ये जो मेडिसिन है PHOS काफ़ी अच्छा है, आप अपने बच्चे को दे सकती हैं। मैं इस मेडिसिन को अपने बच्चे को 6 मंथ की एज से दे रही हूँ, अब वो 2 साल की हो चुकी है। आप यकीन जानिए उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ती है और काफ़ी एक्टिव है। तो मैं यही एक हेल्थ सप्लीमेंट उसे दे रही हूँ और काफ़ी अच्छा ये वर्क करता है। आप भी इस मेडिसिन को लीजिए, ख़रीदिए और बच्चे को खिलाकर आप देखिए, एटलीस्ट 2 मंथ दीजिए तभी आपको इसका असर दिखेगा, और ये काफ़ी असरदार है।
इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप बच्चे के साथ साथ बूढ़े हर एक एज के आदमी इसे खा सकते हैं, हम लेडीज़ जेंट्स सारे इसे खा सकते हैं, सिर्फ डोज का फ़र्क होना चाहिए। ये छोटी छोटी गोलियों में आता है, आप 2 गोली 4 टाइम बच्चे को दें, अगर आप बड़े हैं तो 4 गोली 4 टाइम खाएँ। ये सब पे असर करता है, हर एक डिफिशियंसी को दूर करता है जो कि हमारे डाइट में हम इंक्लूड हर चीज़ को नहीं कर पाते हैं, और इस टॉनिक से, इस सप्लीमेंट से वो हर एक डिफिशियंसी दूर होगी, ओवरऑल ग्रोथ होगा। बच्चे में के लिए ये काफ़ी अच्छा वरदान है, आप इसे दीजिए और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप देने के बाद आपको ऐसा लगे कि ये मेडिसिन अच्छा है तो मेरे वीडियो पे दोबारा आइए, कमेंट करिए, और इसके बारे में और भी अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगी। और इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ, पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। टिल देन बाय बाय।